Venus. It is the second planet from the sun and sixth planet in the solar system in size and mass. इसका नाम रोमन के प्यार और सुंदरता की देवी के नाम पर रखा गया है। ये चंद्रमा के बाद रात के आकाश में दूसरी सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। Probably that is the reason why it was the first planet to have its motions plotted across the sky as early as the second millennium BC. हमारे सोलर सिस्टम के अन्य ग्रह के विपरीत वेनस और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पे घूमते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसेंट्रेशन के कारण ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉट प्लैनेट है, जो एक इंटेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने का काम करता है। सूर्य ग्रह पर एक दिन एक साल से ज़्यादा लंबा होता है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने की तुलना में शुक्र को अपनी एक्सिस पर एक बार घूमने में अधिक समय लगता है, यानी 243 अर्थ डेज एक बार घूमने के लिए सोलर सिस्टम में किसी भी ग्रह का लॉन्गेस्ट रोटेशन, एंड सूर्य की एक कक्षा को पूरा करने के लिए ओनली 224.7 अर्थ डेज। वेनस को उनके मास साइज डेंसिटी एंड सोलर सिस्टम में उनके सिमिलर रिलेटिव लोकेशंस में समानता के कारण अर्थ का ट्विन भी कहा गया है। अपने निकटतम पर ये चंद्रमा के अलावा पृथ्वी का सबसे निकटतम बड़ा पिंड है। वेनस हैज 90 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अर्थ। रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मिस्टर एस सोमनाथ ने अनाउंस किया है कि इसरो आशावादी है कि बाय दिसंबर 2024 वेनस मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का एम है कि टू स्टडी वेनस एटमॉस्फेयर व्हिच इज टॉक्सिक एंड कोरोसिव इन नेचर एस क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कवर द प्लैनेट। इसके अलावा इस मिशन का की ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ सरफेस प्रोसेस एंड शैलो सब सरफेस स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी भूविज्ञान का एक ऐसा शाखा जिसमें चट्टान के परतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन एंड डायनेमिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोलर विंड इंटरैक्शन विद वेनुशियन आयनोस्फेयर। साथ ही इस मिशन का महत्व है कि यह मिशन हमें हेल्प करेगा टू लर्न हाउ अर्थ लाइक प्लैनेट्स इवॉल्व एंड व्हाट कंडीशन एग्जिस्ट ऑन अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स मतलब ऐसे प्लैनेट जो ऑर्बिट करता है एक स्टार को अदर देन आवर सन। ये मिशन अर्थ के क्लाइमेट की मॉडलिंग करने में मदद करेगा एंड सर्व एज एन कॉशनरी टेल ऑन हाउ ड्रामेटिकली ए प्लैनेट्स क्लाइमेट कैन चेंज। अपार्ट फ्रॉम दिस मिशन अदर कंट्रीज लाइक US, रशिया, जापान एंड यूरोप ने भी अपने अपने मिशन भेजे हैं, जैसे USA की मैरिनर सीरीज, देन पायनियर वेनस 1, वेनस 2, देन मैगेलन इन 1989, देन रशिया की वेनेरा सीरीज, देन वेगस 1, वेगस 2, देन जापान की आकात्सुकी इन 2015 एंड यूरोप का वेनस एक्सप्रेस इन 2005। दिस आर द मिशंस ऑफ अदर कंट्रीज। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई मस्ट से दैट इसरो इज रियली ए जेम ऑफ इंडिया। जय हिंद।